मिट्टी खनन कर रहे खनन माफियाओं के ट्रैक्टर ट्रॉली जेसीबी पुलिस ने की जब्त। आगरा जनपद के थाना बाह क्षेत्र के अंतर्गत कैजरा रोड पर मिट्टी खनन की सूचना पर पुलिस ने छापा मारकर मौके से एक जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉली मिट्टी से भरी हुई जब्त कर ली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार थाना बाह क्षेत्र के अंतर्गत बाह कैजरा रोड पर जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉली खेतों से मिट्टी खनन माफिया द्वारा किया जा रहा था, जिसकी सूचना मुखबिर ने स्थानीय पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस ने मिट्टी खनन के ठिकाने पर छापा मारा, जिसमें मौके से पुलिस द्वारा एक ट्रैक्टर ट्रॉली मिट्टी से भरा हुआ और जेसीबी जब्त कर लिया। वही खनन कर रहे खनन माफिया भागने में सफल रहे। पुलिस जेसीबी और ट्रैक्टर को जब्त कर थाने ले आई। पुलिस के मुताबिक किसान द्वारा अपने घर की भराई के लिए मिट्टी खेतों से लाई जा रही थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच करते ही कार्रवाई की जाएगी। बागपत में तेज रफ्तार का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला बढ़ौत कोतवाली क्षेत्र के बड़ौली इलाके का है, जहां तिप्पी सीएमओ की बुलेरो गाड़ी और ईंटों से भरे ट्रक में भिड़ंत हो गई, जिसमें सीएमओ की गाड़ी में सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में डिप्टी सीएमओ बाल बाल बच गए। घटना स्थल से ट्रक चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। दरअसल मामला बढ़ौत कोतवाली क्षेत्र के बड़ौली गांव का है, जहां डिप्टी सीएमओ बुलेरो गाड़ी में सवार होकर बढ़ौत से बागपत जा रहे थे। तभी दूसरी दिशा से तेज गति से आ रहे ईंट से भरे ट्रक में गाड़ी की टक्कर लग गई। बुलेरो गाड़ी में सवार चालक सहित दो लोग घायल हो गए। वहीं ट्रक चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। डिप्टी सीएमओ स्टाफ के साथ बढ़ौत क्षेत्र के बिनौली कस्बे से पल्स पोलियो की मीटिंग कर बागपत वापस लौट रहे थे। हादसे में घायल हुए लोगों को ग्रामीणों ने जिला चिकित्सालय बागपत में भर्ती कराया, जहां उनको उपचार जारी है। डिप्टी सीएमओ की दुर्घटना की सूचना पर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर चालक की तलाश शुरू कर दी है। कुल मिलाकर फिलहाल पुलिस हादसे की जाँच में जुटी है। विजेंद्र जी, एक्सीडेंट हुआ, कैसे हुआ, क्या मामला? इसकी गलती है। यूपी जता पर ट्रैक कर रहा था, अर्जी लगी हुआ, उसकी गलती नहीं, वो नीचे साइड में लगी हुआ गाड़ी। इसके साथ टकराया, कैसे लगी? अरे टट्टू ढेला था, इसी का टकरा। खाली है तो हाँ, गलती उसकी है। वो ऊपर का मिनी वाले को अटैक कर रहा था। डिप्टी सीएमओ बागपत। अच्छा सर, क्या हुआ था मामला, कैसे घटना हुई है, किस तरह से एक्सीडेंट हुआ था? बिनौली से पल्स पोलियो की मीटिंग करके आ रहे थे, तो यहाँ एक्सीडेंट हुआ। ये ड्राइवर को जो भी पता था। सर ट्रक से टकराई, ट्रक वाले गलती है या कैसे हुआ है, किस तरह से हुआ है पूरा? ट्रक वाले की गलती है। जो ट्रक वाले कैसे गलती है, वो ट्रक कर रहा है। नहीं, कौन सी बात है, कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, मुझे नहीं पता। विधायक कोटे के पास है यह आरसीसी, जिसके निर्माण के लिए 6 माह पूर्व शुरू कराई गई थी खुदाई। आम जनमानस व मासूमों के लिए बनी आफत, कैसे जाएंगे मासूम स्कूल, गांव की इकलौती मुख्य सड़क। पूरा मामला हमीरपुर जनपद के मोहरा विकासखंड क्षेत्र के गांव रोहारी का है, जहां पर 5 वर्षों से दलदल से भरी सीसी का कार्य विधायक कोटे से कराया जाना था। यहां खुदाई तो 6 माह पूर्व शुरू हो गई थी, लेकिन यहां तो अभी तक सीसी का नामोनिशान नहीं है, जो आमजन के लिए एक मुसीबत बनी हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि भारी मशक्कत के बाद विगत कई वर्षों से निवेदन व प्रार्थनाएं करने के बाद यह कार्य शुरू होने जा रहा था, लेकिन अब इसकी और भी बदहाल स्थिति हो गई है, जिससे उनको निकलने चलने में भारी समस्या से जूझना पड़ रहा है। निकलने चलने में हम सब लोग गिरते हैं, और मान लो छोटे छोटे बच्चे हमारे है जो स्कूल में जाते हैं, तो चारों तरफ से कीचड़ ही कीचड़ है, उनको निकलने की बड़ी दिक्कत है। तो ये सीसी का काम कब से ऐसे पड़ा हुआ है खुदा? आज ये कम से कम के ना, ये आज 6 महीने पहले पास हो गई, और इसके कटार पटा चबूतरे उतरे कटवा दिया है, और बरसात के सीजन है, बताओ ये निकलने के लिए कोई समस्या है, कहाँ से निकले, रपट रपट गिर रहा है, घर गिरने की संभावना है, बड़ा मुझे पर हूँ देवरा समस्या है कि यहाँ रास्ता में बड़ी दिक्कत है। तो 1 साल से विधायक कोटे से पास हो गई थी, और इसमें जो है कोई सुनाई नहीं है। कार इतना उतरा उतरा सब खुदवा के बराबर कर लिया है, और यहाँ गड्ढे वड्ढे हम ही नहीं पूरा है।
दरोगा ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर लगाई सुरक्षा की गुहार। पुलिस ने दरोगा को भी अगर सुरक्षा की जरूरत पड़ जाए तो आप उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का आलम समझ सकते हैं। जी हां, मेरठ में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां उत्तर प्रदेश पुलिस के दरोगा ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर सुरक्षा की गुहार लगाई। दरोगा अपनी पत्नी के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंचा, जहां उसने ससुरालियों के जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा मुहैया कराने की बात कही। दरअसल प्रदीप कुमार नाम का यह दरोगा अलीगढ़ के इलगास थाने में तैनात है। प्रदीप मेरठ के थाना टीपी नगर क्षेत्र का रहने वाला है। प्रदीप और उसकी पत्नी प्रियंका के बीच पिछले काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन प्रियंका के घर वालों को दरोगा पसंद नहीं है, इसलिए दोनों ने घर से भागकर शादी कर ली। इसी बीच प्रियंका के घर वालों ने हिमाचल प्रदेश के पोटा साहिब जिले में दरोगा प्रदीप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया और उसे जान से मारने की धमकी भी दी है। प्रदीप का गुनाह सिर्फ इतना है कि उसने गैर बिरादरी की लड़की से प्यार किया। प्रदीप और प्रियंका की लव स्टोरी शादी के मुकाम तक पहुंचकर परवान चढ़ गई, लेकिन अब ससुरालिये जान के दुश्मन बन गए हैं। मेरठ पुलिस ने जब यह लव स्टोरी सुनी तो वो भी सकते में आ गए, जिसमें उत्तर प्रदेश के दरोगा को जान बचानी भारी पड़ रही है। इसके बाद प्रदीप को सुरक्षा मुहैया कराने का आश्वासन दिया गया और साथ ही हिमाचल प्रदेश के पुलिस अधिकारियों से भी सुरक्षा देने की बात कही है। प्रदीप कुमार जो इलाज में तैनात हैं, वो सुरक्षा की गुहार लगाने आपके पास? हाँ, उनके संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है, प्रिवेंटिव एक्शन भी लिया जा रहा है और उनकी गवाही होनी है पोंटा साहब में। वहाँ के एडिशनल एसपी और वहाँ के सीओ से वार्ता की गई, जो उनके केस में आई है उनसे भी वार्ता की गई है। सुरक्षा का यहाँ भी और वहाँ भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। किस वजह से सर सुरक्षा मामले? वो इंटरमैरिज की है, उनको खतरा है कहीं कोई ऑनर किलिंग की बात ना हो। उन्नाव से आ रही एक बड़ी खबर, उन्नाव जेल का सनसनीखेज वीडियो आया सामने। उन्नाव जेल में अपराधी लहरा रहा असलहा। उन्नाव जेल से अपराधी चला रहे हथियार लूट गैंग। उन्नाव जेल में अपराधियों को नहीं है कोई डर, कुख्यात बदमाश अंकुर के पास असलहे का वीडियो। मेरठ के बदमाश अमरेश के पास असलहे का वीडियो। जेल में होटल की तरह अपराधी ले रहे सुविधा। उन्नाव जेल के अंदर पार्टी कर रहे बेखौफ अपराधी। उन्नाव जेल प्रशासन अधिकारियों को देता है सुविधाएं। नामी ब्रांड है, कोई जेल में बोल जाए जेल में मार दिया जाएगा, अब बाहर बोल जाएगा बाहर मार दिया जाएगा। कौन सी जेल में? तुम्हें पता भी है मेरठ से भेज दिया उन्नाव। उन्नाव में भी जो है कोई यहाँ भी बोलेगा ना मार दिया जाएगा, कोई बाहर बोलेगा सामने वो बाहर मार दिया जाएगा। आई एम अमरीश रावत, नामी ब्रांड है, ब्रांड ये अंकुर सिंह है। जमाने में दम नहीं कि मिटा सके हम तो, जमाना खुद हम से है जमाने से हम नहीं। मेरा नाम है देव प्रताप सिंह और गौरव प्रताप सिंह, रायबरेली डिस्ट्रिक्ट। हमारी रायबरेली डिस्ट्रिक्ट ये तो उन्नाव जेल है अंकुर सिंह। उन्नाव जेल तो हमारे कार्यालय होते हैं, आपको नहीं पता, नितिन भाई जेल का कार्यालय बनाने वाले हैं। अंशु दीक्षित जैसे हिस्ट्री जो बने बस सब मस्त ही मस्त है भाई। मामला पीते एकदम सब मेरी बात सुनो अंकुर सिंह की दिखाई। मैं मेरा नाम है अमरीश भटीपुरा। इन्होंने योगी सरकार ने मुझे भेजा था दंडित करने के लिए, कहाँ उन्नाव जेल में है। ये उन्नाव जेल में जो है यो ये देखिए जेल का पहला हमारी बात सुन, ये योगी सरकार हमारा ना मेरठ जेल में कुछ बिगाड़ पड़ी पाई थी और जो है ना जो है हमारा उन्नाव जेल बिगाड़ पाएगी और हमें तो कहीं प्रदेश की कहीं किसी जेल में भेज देगी ना, प्रदेश की जेलों को कार्यालय बना देगी। कार्यालय बना देगी। अब देखो ये दिखा दो, इधर सुन लो, देखो ये भी दिखा दो ना, ये हर समय जो है आरटी में ऐसा लगा रहता है। सुनो चलो ठीक है, बाय टाटा।